राजस्थान के बारा जिले के गरडा गांव के सहरिया परिवार अपनी 250 बीघा जमीन को दबंगों के कब्जे से छुड़ाने के लिए पिछले कई महीनों से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन है कि इन आदिवासी सहरिया परिवारों की समस्या का समाधान नहीं कर पा रही। आदिवासी परिवार पिछले 3 दिन से कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिए हुए हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल रहा। जिनका आज भीम आर्मी ने समर्थन करते हुए मौके पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, पदाधिकारियों ने सरकार और प्रशासन को जमकर कोसा और न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने चेतावनी दी है कि वह अब आर पार की लड़ाई लड़ने आए हैं। जब तक आदिवासी गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वह कलेक्ट्रेट से धरना नहीं हटाएंगे। यहाँ पे सर 250 बीघे जमीन है आदिवासी और दलित भाइयों की, ग्राम गरेडा में, तहसील किशनगंज में। वहाँ पे कुछ भूमाफियों ने उस 250 बीघे जमीन पे कब्जा कर रखा है और हम उसको 100 दिन से कंटिन्यू आंदोलन कर रहे हैं। 5वां आंदोलन है। यहाँ का प्रशासन और यहाँ की सरकार बड़ी निकम्मी है। गरीब मजदूर किसान बेवस लोगों की आवाज दबाना चाहती है और उस कब्जे से हटाना नहीं चाहती, लेकिन हम भीम आर्मी के सच्चे सिपाही हैं और भीम आर्मी का ठंडा और झंडा मजबूत है। यही है, हमें अंतिम रूप से कब्जा चाहिए और कब्जे को वास्तविक रूप से प्रशासन हटा करके इन गरीब मजलूमों की जमीन को वापस करे। पूरी दुनिया जानती है कि सहरिया जो जनजाति समुदाय है, सबसे पुराना आदिम समुदाय है इस धरती पर, और इसके साथ जितना भेदभाव और अत्याचार, अन्याय, शोषण हो रहा है वो सब दुनिया देख रही है। आप बताइए, 250 बीघे जमीन 35 परिवारों की जमीन है, उसको जो है 2 लोग कब्जे में करके बैठे हुए हैं और इस सरकार को, इसको लगभग चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की सरकार हो, 50 साल हो गए। ये म्यूजिकल सरकारें बदलती रहती है पर इन सहरियाओं पर कोई ध्यान नहीं देता है।